नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें। भारत की पहली वर्चुअल कैबिनेट बैठक मध्य प्रदेश में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कैबिनेट को संबोधित किया। कैबिनेट में कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चिराऊ हॉस्पिटल भोपाल में भर्ती हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने कैबिनेट बैठक को संबोधित किया और बहुत सारे निर्णय लिए। आइए जानते हैं आज की बैठक में क्या क्या निर्णय हुआ। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में हुई वर्चुअल कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बाकी तमाम मंत्रियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के बाद शुरू हुई कैबिनेट बैठक में सबसे पहले सभी मंत्रियों ने कोरोना पॉजिटिव हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सेहत के बारे में सभी मंत्रियों को बताया। औपचारिकताओं के बाद शुरू हुई कैबिनेट की बैठक। बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। ग्वालियर चंबल में बनने वाला चंबल एक्सप्रेस वे अब चंबल प्रोग्रेस के नाम से जाना जाएगा। उपचुनाव से पहले लिया गया यह फैसला बीजेपी और सरकार के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही कैबिनेट में तय किया गया है सभी मंत्री अपने विभागों का संकल्प पत्र 15 अगस्त तक तैयार कर लें। यह माना जा रहा है कि 15 अगस्त को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जनता के सामने रखेंगे। कैबिनेट के जो प्रमुख फैसले हुए उनके बारे में आइए जानते हैं। जैसे चंबल एक्सप्रेस वे का नाम चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। सीएम ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को मंजूरी मिल गई है। स्ट्रीट वेंडर योजना में कई लाभार्थियों को किया गया है शामिल। नगर पंचायत, ग्राम और जनपद पंचायत में प्रभारी मंत्री कार्यक्रम को बांटेंगे चेक। 22 में से 21 नगर पंचायतों को दोबारा किया गया बहाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020-21 में भी रहेगी जारी। बीमा कंपनी का चयन निविदा से होगा। प्रदेश की पहली वर्चुअल कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री अस्पताल से तो बाकी मंत्री अलग अलग जगहों से शामिल हुए। जैसे प्रेम सिंह बड़वानी से, विजय शाह देवास से, मोहन सिंह यादव जैन से, इस तरह से मोहन जैसे इंदल सिंह कंसाना मुरैना से, हरदीप सिंह डंग और जगदीश देवड़ा मंदसौर से, प्रद्युमन सिंह तोमर ओपी भदौरिया ये लोग ग्वालियर से, तुलसी सिलावट इंदौर से, गोविंद सिंह जी सागर से, सुरेश धाकड़ शिवपुरी से, यशोधरा राजे जी दिल्ली से, बाकी मंत्री भोपाल से अपने अपने निवासों से जुड़े। आज की विशेष खबर यही थी। बाकी खबरों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।